नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश और गर्मी को लेकर। बिहार में इन दिनों दो तरह के मौसम बने हुए हैं। एक तरफ जहां बारिश के हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को तेज गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के दक्षिण हिस्से में अधिकतर जिलों में तेज गर्मी जैसे हालात हैं। इस उमस और गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि बिहार में तीन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में एक से दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम के जानकारों की माने तो पूर्वी झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है और कई हिस्सों में बारिश हुई भी है। अगर हम बात करें सोमवार की, तो प्रदेश के मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिलों में कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव देखा गया, यानी कि इन जिलों में बारिश जैसी स्थिति बनी रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि उत्तर बिहार में 10 जून तक आंधी के साथ बारिश की स्थिति बने रहने की बात जो है वो कही गई है। वहीं अगर हम प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की बात कर लें, तो इन दिनों भीषण गर्मी की मार जो है यह इलाका झेल रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना समेत दक्षिण के जिलों में दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास करके गर्मी से। दक्षिण बिहार में इन दिनों तापमान 40 से पारा ऊपर पहुंच गया है। फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार इन दिनों दक्षिण बिहार में गर्मी राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि अगर बारिश भी होती है तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इन जिलों में जो है उमस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में तेज़ गर्मी से तो लोगों को परेशानी ही है, अगर कहीं बारिश होती है तो उमस से भी लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर बिहार के निकट सिलीगुड़ी में मॉनसून सक्रिय है। आईएमडी के अनुसार बिहार में मॉनसून प्रवेश की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। दरअसल सिलीगुड़ी के आसपास मॉनसून तीन दिनों से स्थिर है। मॉनसून के बिहार आने में अभी एक से दो दिनों का वक्त और लगने की बात कही गई है। वैसे मॉनसून बिहार में आने की जो संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, उसमें जो तारीख दी गई है वह 12 जून तय किया गया है। दरअसल पुरवैया हवा की रफ्तार बेहद कम हो गई है, जिसका प्रभाव क्षेत्र अभी बेहद कमज़ोर है और सीमित है। बिहार की तरफ आ रही पुरवैया हवा का जो 0.9 किलोमीटर की ऊँचाई पर जो है, यह अभी फिलहाल में जो इसकी स्थिति है वो आगे बढ़ रही है। मॉनसून के प्रवेश के लिए यह सतह से इसकी ऊंचाई कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए। वहीं मॉनसूनी बदलाव के कारण जो है यह बिहार में प्रवेश की स्थिति जो है अभी मॉनसून की आने में वो देरी की बात कही जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि पूर्वी उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून की कमज़ोर सक्रियता के कारण कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, जिसमें किशनगंज जिले के घैरगा घाट में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि किशनगंज में 84 मिलीमीटर, अमौर में 88.2 और घेरैया में 80.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि अररिया में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि इस बार बिहार में मॉनसून तय समय से पहले आएगा। बिहार में उत्तरी हिस्से में जिस तरह से बारिश हो रही है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आने से पहले बिहार के लिए यह अनुकूल स्थिति है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्री मॉनसून है, जिसके कारण बिहार में इन दिनों बारिश हो रही है। तो ऐसे में पहले पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये तीन ऐसे ज़िले हैं जिसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ कहा है कि इन जिलों में तेज़ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगर बिहार में मॉनसून की दस्तक होती है तो उसकी पहली बौछार पूर्णिया में होगी, और अभी से ही पूर्णिया में बारिश हो रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है उसमें प्री मॉनसून के तहत बारिश हो रही है, लेकिन 12 जून के बाद से बिहार में मॉनसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।